सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रजेश और अभी मैं हूँ धर्मघर में। यहाँ दादी लोग रहते हैं, पापा हैं अभी यहाँ पे, और यहीं पे आज स्टे किया हमने। और अभी हम यहाँ से मुंशारी के लिए निकलने वाले हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम है तो वो दिखाएंगे और मुंशारी दिखाएंगे कैसा है। और अभी आपको फ़िलहाल चलते हैं, नाश्ता के लिए बुला रहे हैं तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे नमकीन चाय और ऐसा कुछ पीते हैं, तो चलिए दिखाता हूँ मैं। सो गाइस देखो, हमारा ये सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ये है, नमकीन चाय। नमकीन चाय जिया बोलते हैं इसको, है जिया। कैसे बनाते हैं ये तो बताओ। इसको इसमें घी, नमक, नमक भी सादा नमक डालते हैं, नमक, घी, दूध, और ये जो एकदम वो जो थुनेर होता है, थुनेर के छाल से बनता है, एक जड़ी बूटी डाली जाती है, थुनेर की छाल है जो एंटीऑक्सीडेंट, जो कैंसर भी सही करता है वो। अरे वाह। और ये रही हमारी दादी, एंटीऑक्सीडेंट है ये देखो, लगभग 8,000 रुपए किलो इसके पत्ते बिकते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारी जड़ी जड़ी बूटियों वाली चाय पी रहे हैं हम, नमकीन चाय, ज्या बोला जाता है पहाड़ों में। और बाकी ठीक है, तो फटाफट नाश्ता करते हैं और अभी हम निकलने वाले यहाँ से। ये भरत, ना ना, हेलो 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 हेलो, ये भरत है हमारा हीरो, जो आते हर तमु खाने उंजिंगने। सो गाइस अभी देखो, ये मडवे का ना है ना, ये मडवे का सत्तू है, मडवा रागी, रागी का सत्तू है। हाँ, फिर इसको इस उंगली से ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ये। अच्छा ठीक है, फिर ये तो फिर क्या कह रही है दादी? हाँ तो हुई गया खा अभी हम लोग बैग बांध रहे हैं और अभी डबल बैग हो गया। ये दादी बोल रही है कार लेके आना, कार है। तो हमारा बैग रेडी हो रहा है। कार ले आऊं? कार ले, अगली बार आऊंगा तो कार लेके आऊंगा। कार ले, कार मध्य सब सामान नहीं चलने, मैं भी नहीं चले जाऊंगा। ठीक है, ये मैं कैसे जाऊंगा। गाइस तो अभी हम रुके हैं पानी पीने के लिए थोड़ा, और लगभग 25-30 किलोमीटर हम बाइक से नीचे उतर गए हैं। वैसे अभी तक हमने ढलान में ही गाड़ी चलाई है, और अभी देखते हैं पानी वानी पीते थोड़ा। और ये लोकेशन बड़ी मस्त लग रही थी इसलिए हम रुक गए यहाँ पे। वो देखो कितने बढ़िया है ये, क्या बना रखा है, फोटो पॉइंट, बैठ जा वहाँ बैठ के वीडियो बना फर्स्ट क्लास करके। ये देखो कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ, ये देखो पेड़ के बीच में। ये होता है क्रिएटिव माइंड। देखो कहाँ बैठे हम आके, ये देखो भी बढ़िया मिला यार। हाँ, देखो कितना सही है ना, बढ़िया बना रखा है, पूरा नज़ारे का मजा लो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए थल, और देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रहा है, और नीचे नदी देखो कितनी मस्त दिख रही है। वहाँ सामने मंदिर होगा तो पूरा भीड़ लगा हुआ है, और इसी भीड़ में हम थल की बजारा जाना नहीं है वो। हाँ, थल की बजारा, या थल की बजारा इस साइड जाना हमें। हाँ हाँ, ये मेला है यार, यहाँ थल में मेला लगता है वो आज।
तो गाइस ये नदी जो है ये रामगंगा नदी है और उधर देखो पूरा हट बना रखा है, यहाँ रिवर राफ्टिंग वगैरह भी होती है और नीचे मस्त पानी पूरा ऐसे बह रहा है, मज़ेदार लग रहा है। देखो पूरी घाटी कैसे दिख रही है, नामिक ग्लेशियर से होके आती है। तो खोखला मंदिर भी जाएंगे हम कल परसों में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी चलते आगे। ओह माय गॉड, तो गाइस पहली बार मेरी बाइक के साथ ऐसा धोखा हो गया, गाड़ी पंचर हो गई है, खतरनाक पहला एक्सपीरियंस, वो भी पापा के साथ में। पापा ही कहेंगे, अभी तक मैंने इतने सफ़र किए लेकिन कभी ऐसे पंचर नहीं हुई थी, आज पहली बार मेरी गाड़ी पंचर हुई ऐसे सफ़र में। अब तो लंका लगने वाली है, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मार्केट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये देखो अब कील वील लगी होगी तभी हुआ होगा कुछ। चलो कोई नहीं, ऐसे ले जाता हूँ मैं धीरे। सो गाइस अभी 2 किलोमीटर लगभग मैंने बाइक ढकेली होगी, पहाड़ों में बाइक ढकेलना भी बुलेट भयंकर हालत हो गई, खतरनाक। वो भी आज धूप भी खूब तेज लग रही थी और फाइनली हम पहुंच गए। अभी हम नाचनी में हैं और यहाँ पे अपना पंचर बनवा रहे हैं, तो पापा के साथ का पहला एक्सपीरियंस तो बड़ा खतरनाक हो गया। पंचर हो गई। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं तो आ गया एक्सपीरियंस तो बता खींच खींच के लेके आ रहा। तो गाइस पहुंच गए हम टिमटिया और चले यहाँ रहती है हेमू की नानी जी और अभी हम वहाँ जा रहे हैं नीचे घर को। बाइक हमारी वहाँ ऊपर खड़ी है और यहाँ नीचे नदी भी बहती है, बहुत ही मज़ेदार है। पापा तो नीचे पहुँच गए फटाफट। भाई साहब खतरनाक एक्सपीरियंस रहा लेकिन मज़ेदार भी रहा। चलो ठीक है, जैसा भी था हो ही गया। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे पहली बार, एक दो बार यहाँ से गुजरा हूँ बट ऐसे ही चला गया हूँ ऊपर ऊपर से, कभी नीचे नहीं आया था। और आज पहली बार हेमू के नानी जी के घर जा रहा हूँ मैं। ये देखो ये रहा इनका घर, यहाँ पे खेती वेती बड़ा अच्छा कर रखा है इन्होंने। फूल देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले। वो नीचे नदी है, क्या बात है। ये देखो मामा जी भी पहुँचे हैं। पापा आराम से था। हाँ हाँ मामा जी को क्यों नहीं पहचानता। हाय ये देखो, अरे आ जाओ आप खाओ। ये देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा लग रहा है। चल आजा आजा। वाह ये फूल देखो कितने सुंदर खिले। अरे वाह ये घर तो बढ़िया लग रहा है वैसे, छोटा सा। वो फिश पॉन्ड है वो। ये पापा का ससुराल है। आप अपने ससुराल आए? हाँ ससुराल आए। बताओ, मैं आया था अपने ससुराल और वहाँ से अब पापा अपने ससुराल आ गए। ससुर का ससुराल। ससुर का ससुराल, क्या बात है, टाइटल यही देंगे, ससुर का ससुराल। ये देखो ये रही नानी। हेलो बोलो नानी, हेलो बोलो। तो ये है नानी जी हमारी। ये वो है। हेमू नहीं आई अभी, हेमू जम्मू है। तो गाइस ये देखो नानी का किचन कितना प्यारा है। अरे बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपका किचन देखो। अरे वाह, तो छोटा सा बनाया है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। आपका घर बहुत सुंदर है। घर सुंदर है आपका बहुत। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। मैं सोचता था पहले, कितनी बार मैं सोचा कि आऊंगा बट ऊपर ऊपर से चला जाता था। अच्छा पहली बार आया मैं यहाँ। सो गाइस बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये घर, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं, सोचा था हेमू के साथ आऊंगा बट हेमू के साथ नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं और हेमू के साथ आएंगे। हाँ
बार बार पिथा करे जान को ना बोल पा नहीं आ रही है करना है चश्मो बनाने आए के जी ना हां 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 आइए ना मुंह हम भी मुंशारी जा रहे हैं ना गाइस ये देखो नीचे पूरा लकड़ी लगा हुआ है ना ये पूरा लकड़ी लकड़ी है और इसमें बहुत सारे कमरे हैं बाबा तारे एक कमरा इसके अंदर है एक इधर है एक पीछे भी है ऊपर भी तीन चार कमरे नीचे भी है और पापा अपने शादी की स्टोरीज भी बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ कैसे हुआ ये है नाना जी और नानी की फोटो देखो कितने यंग यंग पे कैसे थे और ये भी नानी ही है मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इसलिए पूरा रिकॉर्ड करने में हूँ हर एक चीज़ मज़ेदार लग रही है ये सामने वाला घर किसका हुआ ये पहले इन्हीं के चाचा ताऊ के थे अब बेच दिया किसी को अच्छा अब नहीं रहते इसे पोली हाउस है ये झूला पुल है उमा का स्कूल अच्छा वहाँ सामने झूला पुल है पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा जाना है झूला पुल में नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब जाऊँगा हेमू के साथ आऊँगा तब जाऊँगा स्कूल है वो उमा का स्कूल वहीं पे अच्छा पास ही है फिर तो मौसी ब्रिज पार करके स्कूल स्कूल से फिर घर जबकि वो जिला बागेश्वर में आता है अच्छा ये नदी के पार हाँ ये पिथौरागढ़ जिला है अरे वाह अब उसने अब ये अति दुर्गम में है अच्छा मगर उसका दुर्गम कह रहा हूँ वो स्कूल है हाँ दुर्गम अति दुर्गम में है पोस्टिंग मिली है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर का अति दुर्गम में है वो सही है और यही कमरे से सीधे स्कूल है बच्चे पढ़ ले जारू मैं तो बन रहने या हाँ 2 बजे तो बने था 2 घंटे में हाँ यो आजकल 6 बजे तक रो लाभ तो हाँ तो आप अकेले कैसे करते हो आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था हाँ खाना अरे बहुत ही बढ़िया ला आपके आदमी 5 से रहने से ना मोबाइल एल मलगर लेता था पोषण है मलगर एल तक नहीं पूछ वो कौन था आज भी चल गया वो अलग दूर सही गया बहुत बढ़िया था मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा रायता बनाया आपने राजमा क्या मस्त बनाया ना अच्छा हाय देख लो कितना प्यारा है यार ये बहुत ही खूबसूरत है मुझे तो बड़े प्यार लग रहा है हाय बेबी बेबी और यहाँ से वो नीचे जो दिख रहा है पाउंड वहाँ पे मछली पालन कर रखा है प्रणाम सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे मुंशारी के लिए और अभी हम बिरती फॉल रुकेंगे सीधे और कहीं नहीं रुकने वाले तो चलिए चलते हैं बाय नानी ओ चलो ऊपर चलो सो गाइस वो सामने दिख रहा है बिरती फॉल और मैं दिखाता हूँ आपको ये रहा तो ये है बिरती फॉल और मुंशारी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर होगा यहाँ का पूरा व्यू देखो कैसा है पूरा नीचे का खेत देखो कितना बढ़िया दिख रहा है और यहाँ से पूरी घाटी बहुत खूबसूरत दिख रही है दूर तक गाइस तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए और पापा को बैठे बैठे ऐसे कह रहे हैं पीछे पूरा गर्म हो गया बम गर्म हो गया तो अभी हम रुके चाय पीने के लिए पहले मस्त जगह है दिखाता हूँ मैं आपको पहले तो हो रही अपनी बाइक और ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है ये क्या है तुलसी का पत्ता ये किस हो गया चला पुदीना हाँ पुदीना है पुदीना ये हमें तो चाय पिला दे यार वाव जैसा ही यूट्यूब जैसा ही आप कहाँ से मैं गोरखपुर से हूँ अच्छा गोरखपुर से अच्छा ये कौन सी जगह है ये खेती है और खेती है हाँ, गिनी बैंड है खेती गिनी बैंड हाँ और खेती अच्छा खेती और गिनी बैंड खेती जगह का नाम है हाँ यहाँ खेती है जगह अच्छा। का नाम आगे को गिनी बैंड हो गया ओके हाँ। तो ये आपकी शॉप है हाँ। बढ़िया अच्छी लोकेशन खाना बनाने वाला मेरा बेटा वो भी यूट्यूबर ही है अच्छा बताना आपका कितना है
सब्सक्राइब हो गया, मोनेटाइज हो गया। हाँ मोनेटाइज हो गया, पैसे यहाँ पे हुआ था लैंडस्लाइड के, और नीचे जाके सुमो वाला वहाँ खत्म हो गया। नीचे वाली रोड सामने का रोड देखो। अब किसे पता ऊपर क्या हो रहा है करके। इतने खतरनाक रास्तों से ऐसे होके आ रहे हैं, और जो हमसे अभी मिले थे थोड़ी देर पहले एक स्कूटी वाले, वो स्कूटी वाले पता नहीं देखो कैसा कैसे चढ़ाते यार, हम तो चढ़ गए खैर। और नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, वो देखो कैसे गाड़ियाँ जा रही नीचे एकदम। वो रेस्टोरेंट कहाँ गया, कौन सा नीचे को था ना ये है, हाँ उधर ही कहीं था। सो गाइस अभी हम पहुँच गए कालामुनी, और यहाँ पे माता का मंदिर है हनुमान जी का, ये चौराहे पे, ये बहुत मतलब मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ जो भी आते हैं पहले यहाँ दर्शन करते फिर आगे जाते हैं, और वापस जाने में भी पहले दर्शन करते फिर जाते हैं, माता उनकी रक्षा करती है। ओके सो गाइस यहाँ से मुंशारी 15 किलोमीटर अभी और है, तो बस पहुँच ही गए हैं वैसे तो। गाइस ये देखो ऐसे पेड़ों में नए पत्ते आ रहे होंगे, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। और सामने वहाँ खलिया टॉप द्वार है, यहीं से खलिया टॉप की चढ़ाई शुरू होती है। और पूरा देखो कैसा लग रहा है, पूरा जंगल मस्त। और यहाँ पे इग्लू है, पापा गए अपने दोस्त के बारे में पता कर रहे, क्या हुआ मिले आपको, बस पंचा चुली दिख नहीं रहा है, एकदम बादल लगे हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए मुंशारी जहां हमें जाना था, और बस अभी कमरे पे जाएंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी करते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, तो ये अनमोल है, और यहां देखो दो बच्चे और आ रखे हैं। अभी हम कमरे पे नहीं जा रहे, अभी हम होटल में जाएंगे। क्या हुआ बता दिया? हाँ इधर से नीचे से है वल्लम जला। चलो फिर, तो ये रास्ता देखो कैसा हो रहा है, और अभी होटल तक जाने का रास्ता काफ़ी नीचे है, तो मुंशारी मेन मार्केट से हम काफ़ी नीचे आ गए। वैसे क्या नाम बताया था आपने? वो नमजाल, नमजला। सो गाइस उस जगह का नाम नमजला है, और अभी हम जिस गेस्ट हाउस में जा रहे रहने के लिए वो मामा जी का है। तो अभी ये रोड अच्छे से बनी नहीं है वैसे। गाइस तो फाइनली पहुंचने वाले हैं हम, ये आए तो है यहीं पे। ओह माय गॉड, ये रही मामा की गाड़ी। ओके आज हम यहाँ रहने वाले हैं। चलो चलो, और ये देखो आज हम इसमें रहेंगे, ये मछलियाँ भी हैं इसमें। ओके चलो राजू, आपका क्या नाम हुआ? राजू। अच्छा राजू भाई। ओके आज का सफ़र हमारा यहीं तक, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।